बीती रात दलसेनपारा में एक भीषण दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गया और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिलीगुड़ी के आनंदलोक हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक के नाम मदरहट के आचार्य वांचुक लामा और खोखला बस्ती जेगांव के लाखपाह शेरपा बताया जा रहा है। लाखपाह शेरपा के उपचार के लिए लोथाबड़ी हॉस्पिटल में जाते समय दुर्घटना घटी। इस घटना से पूरे कालचीनी ब्लॉक शोक में डूब गया है। आए दिन इस तरह की दुर्घटना इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, जिससे लोग काफी चिंतित है और प्रशासन से उचित पहल करने की अपील कर रहे हैं। एक्चुअली आज रात को मेरा भाई को थोड़ा एक चेस्ट पेन हुआ बोला हो, और थोड़ा पेट में भी दर्द था, तो हम लोग का इमरजेंसी में थोड़ा जगह में तो डॉक्टर है ही नहीं, खाली नेम केवल नाम के लिए एक जगह में हम लोग का हेल्थ सेंटर है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर कोई है ही नहीं, वहाँ पे एकदम केयरलेस ही वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग इमरजेंसी में लथाबारी लेके आ रहा था। लथाबारी में हम तो नहीं था गाड़ी में, वो मेरा लगभग मेरा भाई का जो साला उसको लेके आ रहा था, गाड़ी चला के लेके आ रहा था, तो रास्ते में एक दुर्घटना घट गया। दुर्घटना में मतलब एक्सीडेंट हो गए, वो जो गाड़ी टक्कर मार के वो फरार हो गया गाड़ी, कौन सा गाड़ी ने मारा, किस टाइप का गाड़ी ने मारा, वो तो अभी तक पता नहीं चला। तो मैं प्रशासन से ये भी अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा गाड़ी ढूंढने में एक्सीडेंट किसने किया, कैसे हुआ, थोड़ा वो हेल्प करने के लिए हम प्रशासन को बोल भी रखा हुआ है, वो प्रशासन भी हेल्प करने के लिए बहुत रेडी है। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? चार जन था, चार आदमी में दोनों का तो घटना में मतलब मृत्यु हो गया, जैसे मेरा भाई था और एक हम लोग का लोपिन वांगचुक लामा बोल के हम लोग का एक लामा भी था, और दो आदमी का वहीं पे घटना स्थल में मतलब मृतक हो गया हमको बाद में जानकारी आया। और अभी दो आदमी है जो मेरा भाई का साला है, दो आदमी वो लोग को आनंद लोक हॉस्पिटल सिलगुड़ी में लेके गया है, वो लोग का कंडीशन भी थोड़ा क्रिटिकली है अभी जानने में आ रहा है। क्या अनुमान करते हैं बार बार इस तरह हाईवे में एक घटना हो रही है? इसका रात में करीबन आपका 11:30 का टाइम में वो एक्सीडेंट हो गया, उसका मतलब ये है कि ओवरलोडेड ट्रक हो सकता है वहाँ पे। हम लोग का मतलब जो जयगांव एरिया से बहुत अभी इलीगल रूप से ओवरलोडेड ट्रक एकदम पत्थर वत्थर लेके बॉल्डर लेके जाता है, उसको कंट्रोल करने नहीं सक रहा है अभी, कोई भी प्रशासन कंट्रोल करने नहीं सक रहा है। वो कंट्रोल करने के लिए थोड़ा प्रशासन को भी अनुरोध करता हूँ कि ये जो अपना इलीगल तरीके से जो जा रहा है, वो रोड में जो ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन है वो सब फॉलो अप करने के लिए वो लोग को थोड़ा जनचेतना देना पड़ेगा प्रशासन की तरफ से। और जो ओवरलोडेड ट्रक जाता है उसको भी आपको एकदम कंट्रोल करना पड़ेगा, इलीगल तरीके से जाता है, वो कंट्रोल करने में वहाँ पे कोई भी है ही नहीं, तो उसी के कारण से ज़्यादातर यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। दोनों जो मृतक हुए उनका नाम बताइए। एक वांगचुक लामा हम लोग का वो लोपेन है, लोपेन बोले तो हम लोग का एक पुजारी है बुद्धिस्ट का, और एक जो मृतक हो गया लखपत शर्पा वो मेरा खुद का छोटा भाई है 38 साल का। आपका नाम? मेरा महेश शर्पा, मैं खोखला बस्ती में रहने वाला हूँ, जयगोन जी भिवानी। नमस्कार दाजु, दलसिंहपुरमा में एउटा घटना प्रकाशमा आइरहेछ, अलिकति जानकारी दिनुहोस्। घटना यस्तो हो, राति एकजना दाजु जयगाउँको एकजना दाजु बिमारी हुनुभएछ भुँडी दुख्यो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई हस्पिटल लिएर आउँदा चाहिँ मेरो काका वांगचुक लामा उहाँ मादरीहाटबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, उहाँले लिएर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको दलसिंहपाडादेखि लिएर डुवर्स ढाबाको बिचमा एक्सिडेन्ट भयो एउटा। अब त्यो एक्सिडेन्ट कसरी भयो त्यो चाहिँ थाहा छैन, 12:30 को बिचमा एक्सिडेन्ट भएको हो, र त्यो एक्सिडेन्टमा मेरो काका वांगचुक लामा र अर्को एकजना भाई दुईजनाको ध्यान भएको छ, एक्सपायर हुनुभएको छ, र अहिले म कालचिनी थानामा छु। यो घटना कसरी भयो त्यति साह्रो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन, म त बिहान थाहा पाएँ र अहिले डेड बडी लिएर आएको छु, अब पोस्टमार्टमको लागि लिएर जान्छु। यो तपाईँको दलसिंहपाडादेखि लिएर जिएसटी मोडको तपाईँको यो डुवर्स ढाबाको बिचमा एक्सिडेन्ट भएको, त्यसमा 4 जना हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा दुईजना अन द स्पोट त्यहीँनिर एक्सपायर हुनुभयो, र दुईजना अलिक सिरियस कन्डिसनमा अहिले बाहिर हुनुहुन्छ हस्पिटलमा, सिलगढी सायद लगेछ। हस्पिटलमा को को एडमिट छ? अलिकति दुईजना छ हस्पिटलमा, म त्यति भन्नु सक्दिनँ को को थियो त्यहाँनिर, 4 जनामा 2 जना चाहिँ एक्सपायर भइसक्नु भयो। दाजुको नाम? मेरो नाम कपिल लामा। नमस्कार सर, सर बीती रात एक घटना का सूचना मिली है दलसिंहपाड़ा में, इस घटना के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए सर। बीते रात जयगांव से हमारे लामा आचार्य वांगचुक जी और लखपत शेरपा जी और उनके साथ दो और सहयोगी, रात को लखपत शेरपा जी को कुछ अस्वस्थ महसूस हुई और लथाबड़ी
हॉस्पिटल में कुछ दिखाने के लिए। वो लोग रात के करीब 1 से 1.5 बजे वहाँ से निकले तो जयगांव दलसिंहपाड़ा रोड में उस क्षण उनसे एक ट्रक की भिड़ंत हुई। उस भिड़ंत में काफ़ी गंभीर भिड़ंत हुई और आचार्य वांगचुक लामा जी और लाक्पा शेर्पा जी ने उस भिड़ंत दुर्घटना में अपना जान गुमाया। वो दोनों ही मृत्यु हो गए। इस क्षण अखिल भारतीय मायना बौद्ध मान्यपा संघ केंद्र समिति मूल कार्यालय जयगांव पश्चिम बंगाल की ओर से शोक संवेदना प्रकट करते हैं, क्योंकि आचार्य वांगचुक लामा जी ने अखिल भारतीय मायना बौद्ध मान्यपा संघ में रहते हुए गुरु धर्म और संस्था के प्रति अपना योगदान दिए। बहुत ही निष्ठावान लामा भिक्षु रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन में कोई परिवार भी नहीं जोड़े, अपना संपूर्ण जीवन एक भिक्षु रह करके इस संस्था को दिए और बीते रात सड़क दुर्घटना में उन्होंने अपना जान गुमाया। साथ में उनके सहयोगी लाक्पा शेर्पा जी ने भी जान गुमाया, जो अखिल भारतीय मायना बौद्ध मान्यपा संघ के प्रति बहुत ही बड़ी क्षति है। इस क्षति को हम लोग शायद जीवन में कभी भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। उनके जीवन हमारे लिए अनमोल था। उन्होंने बहुत ही निष्ठावान तरीके से संस्था के प्रति, धर्म के प्रति और गुरु के प्रति अपना काम किए हैं। उनके जीवन जिस प्रकार से कल हमें खबर हुई कि उनका जीवन अब नहीं रहा, तो हम काफ़ी शोक संवेदन हुए हैं। तो हमारे केंद्र समिति की ओर से भी हम गहराई से शोक संवेदना प्रकट करते हैं और उनके परिवार के रहे सदस्यों को भी साहस धैर्यता दे, ताकि उनको भी आगे जीवन जीने के लिए एक साहस प्रदान हो। अच्छा दादा, आपने तो एखे प्रार्थी हिसाब से आपनी आछेन, तो आज के मर्मान्तिक दुर्घटना हमें सुनल जो रात्रि बेला आज के शिवरात्रि, तो यही आगे आगे यही रकम घटना, ये जघन्य घटना घटे सार्प रोडे वही इलाकाय मैक्सिमाम एक्सिडेंट होते थे, ये घटना विषय किस बोलें प्लिज? आगे हमें सब आगे बोलिए, नो पॉलिटिक्स प्लिज। हमें एन प्रार्थी ना, हमें जे एन वोर फैमिली मेम्बर हमारे बौद्ध धर्मलम्बी हमारे गुरुजी जे वांगचुक लामा उन्नी मारा गे हमारे बुद्धिस्ट धर्मगुरु उन्नी और साथ ही हमारे लाक्पा भाई जे मारा गे लाक्पा भाई वो खोकला बस्तर उन्नी एक असुस्थ छें उनके ट्रिटमेंट करार जो आलिपुर नहीं आसते छो से यहाँ घटना मैंने जानी ना कौन घटना घटे क्योंकि अनुमानिक हमारा बोलिए 11 से 12 समय घटना घटे और बाड़ी लोक खबर पे 2:30 समय। तो हमारा दुखित आछि, हमारा खूब दुखित। आज के हमार अनेक काज छिलो, सब काज बाद दिए हमें एदिके साथे आछि और हमरा एखन कैंडिडेट ना, हमरा एखन कोनो पार्टी पॉलिटिक्स ना, हमरा एखन जदि जनसेवक हमरा और जेहेतु हमार माझे हमारे धर्मगुरु वांगचुक लामा नाई, खूब हमें दुखित। हमारे धर्मगुरु हमारे सब समय आशीर्वाद करते हैं, उन्नी भलो काज कर घटनाटा मन हो घटना घटे गे और साथ ही हमारे लाक्पा शेरपा जब मारा गए उन्नी एक पेट व्यथार जो उन्नी आसते ये कि बोले हनी को मैं हनी को अनहनी को मैं अनहनी को कोई टाल नहीं सकता बोले ये कथा बोलो কিন্তু ওনার সাথে সাথে আরেকজন ড্রাইভার উনি একটু সিরিয়াস কন্ডিশনে আরেকজন ছেলে আছে উনি এখন হসপিটালে আছে। তো আমি কাউকে কিছু বলবো না, কিন্তু আমি এইটাই বলবো আমার হাত জোর করে আমি বলবো প্লিজ, মমতা দিদি বলেছিলেন সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ, এমনি বলে না, প্লিজ আপনারা ভালো করে চালান। 2 মিনিটের জন্য 5 মিনিটের জন্য কেন যান জোখিমি দিন, নিশ্চয় কারোতে কি ভুল হয়েছে। তো আমি কাউকে দোষাচ্ছি না, কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট করব যে গাড়ি চালক আছে, আমি বলবো না গাড়ির চালকের দোষ বা আমাদের মানে বা অন্যদের দোষ, কিন্তু আমি বলবো প্লিজ 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 সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ আর যত আমার বাইকগুলো যত আছে ওকে বলবো। আর আজকে শিবরাত্রি আছে, শিবরাত্রির জন্য আমি প্রত্যেক শিব ভক্তদেরকে বলবো, আমাদের যত সনাতন ধর্মীকে বলবো আজকে শিবরাত্রি পূজা ভালোভাবে মানান, কিন্তু প্লিজ কোনো মদিরা পান করবেন না, আশা করবেন না, নালে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আমরা দেখি পরে প্রত্যেক বছরই আমাদের মহাকালে যে শিবরাত্রি হয়, এর আগে গত বছর আমি নিজে ছিলাম, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিলো আমরা বাঁচায় আনলাম, বাইক একটি স্কুটি ধাক্কা দিয়ে মারা গেছিলো, এরকম না হোক আমার রিকোয়েস্ট। মা বাবাদেরকে বলবো, সিনিয়রদেরকে বলবো, আমার ইউথকে বলবো, আমাদের শক্তিদেরকে বলবো প্লিজ আপনারা ধূমপান করে মাদিরা পান করবেন না, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ করেন, এটাই বলে সবাইকে খুব দুঃখিত আছি, আমি খুব দুঃখিত আছি। আর আমরা এটাই বলবো গড সবাইকে ভালো রাখুক, ভগবান সবাই ভালো হোক, ওম নমায় বুদ্ধায় বুদ্ধায় ভগবান সব ভালো রাখুক, ওম নমা শিবায় সবাইকে ভালো রাখুক, এটাই বলে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। খুব দুঃখিত আমরা আছি, এই ফ্যামিলির সাথে আমরা আছি, প্লিজ 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 এইটা দিয়ে কিছু বুঝেন।